सो हेलो एवरीबडी वेलकम टू एंथ्रोपोलॉजी डे नाइन्थ एंड दीज आर द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज इन दी एंथ्रोपलॉजिकल थ्यूरीज़ वी हैव ऑलरेडी डन वी वर डूइंग द न्यू एवोल्यूशन स्कूल एंड वी हैव ऑलरेडी डन दल्टीलिनियर एंड दूनिवर्सलिस्ट तो यूनिवर्सलिस्ट के अंदर हमने जो है वो दो लोगों के बारे में बात की है चाइल्ड और वाइट हमने दोनों के बारे में जो है वो प्रॉपरली पढ़ लिया था कि आपके पास जो है वो दोनों की अप्रोच क्या थी एक की जो है वो आपके पास जो चाइल्ड हैं चाइल्ड की अप्रोच को हम कहते हैं डारविनियन अप्रोच क्योंकि उन्होंने जो है वो डारविन की जो मैथडोलॉजी थी की डारैथडोलॉजी को कल्चरल एंगल से जो है स्टडी करने की कोशिश की थी तो जैसे आपके पास डारविन कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो है वो आपके पास अलग अलग तरह के आ, वाट यू कैन से कि आपके पास जो है वो डाइवर्सटी है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की तो उसी तरह से आपके पास जो है वो जो चाइल्ड हैं उन्होंने टेक्नोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की जैसे आपके पास जो है वो जो ज़्यादा अडेप्ट होते हैं एनवायरनमेंट के साथ उन आपके पास जो पशु पक्षी हैं जो आपके पास जो फ्लोराफोना है दैट इज़ मोर अडेप्टू द इन्वायरमेंट दे गेन मोर अडेप्टबिलिटी तो सिमिलरली आपके पास जो है आ, उनका जो जेनेटिक एफिशंसी है वो इनक्रीज होती है सिमिलरली ही coined one more term called technological efficiency. The technology that can gain or that can have the more energy or that can extract the more energy from the environment, it will have the more technological efficiency and the production and the population of that particular technological equipment, it will increase. थास आपके पास जो है वो आपके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो आपके पास जो है वो होता रहता है सोसाइटी के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो होता रहता है वैसे वैसे जो है वो आपके पास एक गौण जो कल्चरल डेवलपमेंट है उसका चार्ट भी जो है वो उसी के साथ जो है वो आगे फ्लो करता है ठीक है तो इस तरह से आपके पास जो है जी चाइल्ड जो है वो कल्चरल डेवलपमेंट को यूनिवर्सल बताते हैं कि हमेशा जो है वो कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो पेलियोलिथिक से चलते हुए जो है वो लियो न्योलिथिक की तरफ जो है वो गया था फिर उसके बाद अगली बात आती है वाइट की तो जो आपके पास जो है वो वाइट हैं लेसली एच लेसली ये वाइट हैं लेसली ए वाइट का मानना है कि आपके पास जो कल्चर है कल्चर जो है वो एनर्जी के साथ जो है वो लिंक्ड रहता है तो लेसली ए वाइट जो है वो आपके पास जो है वो ई इंटू टी इज इक्वल टू सी की बात जो है वो करते हैं कि आपके पास जो कल्चर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी अवेलेबल पर कैपिटा पर ईयर एंड द कल्चर इट इज़ आल्सो प्रपोर्शनल टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट हाउ मच ऑफ द एनर्जी और हाउ मच एनर्जी एफिशंसी यू हैव दैट हाउ मच ऑफ एनर्जी यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंट और जो आपके पास लेसली ए वाइट का जो आपके पास मैथोडोलॉजी है इट इज़ नोन एज द कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच वाइट इज़ नोन एज ए कल्चरल एकोलॉजिकल अप्रोच बिकॉज वी कंसिडर इन दोथ इन द बोथ ऑफ द केसेज आपके पास जो है स्टीवर्ड का केस भी है आपके पास लेसली वाइट का केस भी है दोनों के अंदर हम ये कंसिडर करते हैं दैट द कल्चर एंड दीलॉजी दे आर बोथ इंटरवाइंड इन द डायलैक्ट्रिक इंटरप्ले दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो आपके पास डायलैक्ट्रिक इंटरप्ले के अंदर जो है वो इंटरवाइंड रहती हैं यानी कि कल्चर जो है वो इन्फ्लुंस करेगा या फिर कल्चर जो है वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगाजी से और इकोलॉजी जो है वो कल्चर को इन्फ्लुंस करेगी ठीक है तो ये जो है वो आपके पास जो है वो बेसिक क्राइटेरिया है ये जो है वो आपके पास जो है वो बेसिक प्राइमेसिस हैं ओके ठीक है तो अब बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द पी डी एफ़ फ़ाइल आप जो है वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के अंदर जो है वो आप स्टोर सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको ये जो कोर्स है एंथ्रोपोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिविज़न एंड आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो मिल जाएगा इसके जो है वो आप रिसोर्स सेक्शन के सॉरी इसके जो है वो आप सोर्स सेक, रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये पी डी एफ जो है पी डी एफ फाइल जो है वो मिल जाएगी ठीक है नाओ द थीम्स दट आर आस्ट फ्राम द फ्राम दिस टॉपिक तो ये चीज़ हमने पिछली वीडियो के अंदर भी जो है हमने जो है वो एड्रेस कर ली थी जनरली देर आर फोर काइंड ऑफ थीम्स चार तरह की जो है वो आपके पास थीम्स जो हैं वो पूछी जाती हैं पहली जो आपके पास थीम जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट का डिफरेंट डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट एंथ्रोप्रोजेस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फॉर एग्जाम्पल टेक द केस कि वन क्वेश्चन इट वॉज आस्ट कि आपके पास जो है वो लेसली एच वाइट की अप्रोच कैसे हेल्पफुल साबित हुई कल्चर रेवोल्यूशन को समझाने के लिए ठीक है नाउ दिस वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेस्ली वाइट लेसली वाइट की अप्रोच को समझाना था आपने दूसरा जो है वो आपके पास जो है वो चीज़ों के कंसेप्ट के ऊपर जो है वो सवाल पूछे जाते हैं दे जनरली दे आर आस्किंग ओन दी कंसेप्टैट व गिवन बाई द न्यू एवोल्यूशनिस्ट जो न्यू एवोल्यूशनिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं उनके बारे में वो जो है वो बात करते हैं अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल टेक केस ऑफ दल्चरल कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच द क्वेश्चन वॉज आस्ट फ्राम द जूलियन स्टीवर्ट्स जूलियन स्टीवर्ड्स की कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच को जो है वो आपको समझाना था यहाँ से ऑलरेडी जो है वो आपसे सवाल पूछा जा चुका है ठीक है सिमिलरली द क्वेश्चन कैन बी द मटीरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ चाइल्ड चाइल्ड की मटीरियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर पूछा जा सकता है वाइट की कल्चरल इकोलॉजिक अप्रोच के ऊपर जो है वो चीज़ों को पूछा जा सकता है तो इनके जो कंसेप्ट्स हैं खास करके इनकी जो मैथडलॉजीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो मैथडलॉजीज़ को समझना आपके लिए इट इज़ दी इट इज़ ऑफ दी टमोस्ट इम्पॉर्टेंस वो आपके पास जो है सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं एंड द थर्ड थिंग द थर्ड थीम इट इज़ दैट द होलिस्टिक आपके पास जो है जो आपके पास होलसम जो क्वेश्चन हैं जो आपके पास होलिस्टिक क्वेश्चन हैं वो जो है वो पूछे जाते हैं द होलिस्टिक कल्चर क्वेश्चन लाइक राइट अ शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट ओन न्यू एवल्यूशनिस्ट जो आपके पास न्यू एवोल्यूशनिज्म है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है ठीक है और जो आपके पास तो फोर्थ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो चौथे तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दैट इज़ जनरली ऑफ द डिफ्रेंसीशन आपके पास अलग अलग तरह से डिफरेंशिएशन इस्पेशली द डिफ्रेंसीशन The differentiation between the classical evolutionism versus the neo-evolutionist approach, जो आपके पास neo-evolutionism है और classical evolutionism के बीच में क्या difference है तो आपको डिफरेंस के बारे में खास करके जो इनकी दोनों की अप्रोच के अंदर डिफरेंस क्या रहा है उसके बारे में जो है वो आपको प्रॉपरली समझाना है ठीक है सो so, when यू आर रीडिंग द न्यू evolutionism दीज फोर पॉइंटर्स दे शुड बी इन योर माइंड ये चार चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग के अंदर होनी ही होनी चाहिए ठीक है तो आप जो है जब भी आप प्रिपेयर करोगे कि तो यू विल हैव दीज फोर थिंग्स इन योर माइंड देन यू कैन प्रिपेयर वेल तो अब आप जो है वो चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो ठीक है द फर्स्ट थिंग इज द जी वी चाइल्ड थ्योरी ऑफ द कल्चरल एवोल्यूशनिज्म अगेन जी वी चाइल्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन कल्चरल एवोल्यूशनिज्म को क्या रहा है वो आ गया आपके पास आगे आपके पास जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशनिज्म अगेन न्यू एवोल्यूशनिज्म हैज़ बीन लास्ट देन द न्यू एवोल्यूशनिज्म और आपके पास लेसली वाइट की अप्रोच फिर आपके पास कल्चरल इकोलॉजी पर आ, के ऊपर क्वेश्चन आ गया और आपके पास जूलियन स्टीवर्ड की पर्टिकुलिस्टिक अप्रोच यानी कि इकोलॉजी को सामने रखते हुए पर्टिकुलिस्टिक अप्रोच का मतलब यही है कि आपके पास इकोलॉजी को उन्होंने जो है वो ज़्यादा इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी को जो है वो उन्होंने ज़्यादा जो है वो ज़्यादा स्पेस दिया है तो उसके ऊपर जो है वो आपको लिखना है दैन हाउ डू द अप्रोचेज़ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी एवोल्यूशनिज्म it differ from the new evolutionist again आपके पास जो है वो difference के ऊपर question आ गया कि दोनों के बीच में दोनों के मत में दोनों की methodology के अंदर दोनों के results के अंदर आपके पास क्या क्या difference है ठीक है देन आपके पास राइट एंड एस से ओन द न्यू एवोलूशनिजम एंड कल्चरल इकोलॉजी कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच के ऊपर आ गया और न्यू evolutionism के ऊपर क्वेश्चन आ गया ठीक है सो दीज आर फोर थीम्स दैट आर आस्ट फ्रॉम हेयर ये जो चार थीम्स हैं ये यहाँ से जो है वो पूछी जाती हैं यहाँ से जो है वो आपके पास एक्सट्रैक्ट की जाती हैं ठीक है थीके? अब बात आती है हमने ऑलरेडी जो थे वो दो स्कूल ऑफ थॉट्स न्यू एवोल्यूशनिज्म के अंदर जो है वो कर लिए थे पहला था आपके पास जो है वो मल्टी लीनियल एवल्यूशनिज़म दूसरा था आपके पास जो था जो यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म इन दी मल्टी लीनियल एवोल्यूशनज़म वी हैव ऑलरेडी डन द जूलियन स्टीवर्ट्स कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है वो कर लिए थे क्या कल्चरल टाइप होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा उन सारी चीज़ों के बारे में हमने जो है वो पढ़ लिया था फिर उसके बाद हम जो है यूनिवर्सल स्कूल ऑफ़ यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म या फिर यूनिवर्सल न्यू एवोल्यूशनिज्म की तरफ आगे बढ़े इन द यूनिवर्सल न्यू एवोल्यूशन वी हैव ऑलरेडी डन दी वाइट एंड चाइल्ड वाइट की आपके पास लेसली है वाइट की जो एनर्जी अप्रोच है उसको हमने किया था और आपके पास जो है वो चाइल्ड की जो जो एक आ, 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 जो डार्वेनियन अप्रोच है उसको जो है वो हमने किया था या फिर कि जो डारवेनियन मटीरियलिस्टिक अप्रोच है उसको जो है वो हमने किया था ठीक है अब बातें आती हैं कि एक कहता है कि आपके पास जो कल्चर है वो बहुत डाइवर्स है उसका जो एवोल्यूशन होता है देर आर मल्टीपल लाइंस टू दैट एवोल्यूशन आप जो है वो इस चीज़ के बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि, कि कितनी लाइंस जो हैं वो आपके पास एवोल्यूशन के अंदर जो है वो निकल सकती हैं हर एक कल्चर का अपना अपना एवोल्यूशन है ठीक है तो वो जो है वो कल्चर कल्चरल इकोलॉजी को वो इस तरह से समझाते हैं कि बिकॉज़ दुनिया के अंदर अलग अलग इकोलॉजी है अलग अलग तरह का सोशो पोलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है अलग अलग तरह की आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी है तो आपके पास अलग अलग तरह का जो है वो कॉजेलिटी फ़ीचर्स हैं बिकॉज ये तीनों फैक्टर्स जो हैं कल्चरल कॉजिलिटी आपके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सोशो पोलिटिकल इंटीग्रेशन ये तीनों जो चीज़ें हैं आपके पास जो है वो डाइवर्स हैं बिकॉज ऑल दीज थिंग्स दे आर डाइवर्स देन आपके पास जो एवोल्यूशन है इट इज़ मल्टी लीनियल एवोल्यूशन मल्ट आपके पास एवोल्यूशन जो है वो मल्टी लीनियल होगा एवोल्यूशन कभी भी जो है वो एक लाइन के ऊपर जो है वो नहीं चल सकता ठीक है तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने बात की ठीक है वो भी एक आर्कोलॉजिस्ट थे फिर उसके बाद अगेन आपके पास एक जो है वो यूनिवर्सल स्कूल का जो है वो रिवाइवलिज्म हुआ यूनिवर्सल स्कूल ऑफ़ एवोल्यूशनिज्म और न्यू एवोल्यूशनिज्म क्या कहता है कि पूरी दुनिया की जो कल्चर्स हैं दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट और दे ट्राई टू एडवांस देयर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वो जो है वो एनर्जी जो है वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना चाहती है और वो अपनी जो uh, uh, अपनी जो सॉरी अपनी जो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल एक्सप्लोटेशन है उसको जो है वो इनक्रीज़ करना चाहती हैं ठीक है सो so, इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपके पास आ, जो है वो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो आपके पास जो है वो बना जिसको हम जो है वो यूनिवर्सल स्कूल ऑफ़ थॉट और यूनिवर्सल स्कूल ऑफ़ न्यू एवोल्यूशनिज्म जो है वो आपके पास कहते हैं ठीक है तो दुनिया की सारी जो कल्चर्स हैं वो पेलीथिक्स से न्यूलिथिक टू दी मटेरियल कल्चर ऑफ द सिविलाइजेशन वो आगे बढ़ी है ठीक है तो आपके पास दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हो गए अब दोनों के बीच में आपने जो है वो संधि करवानी है दोनों के बीच में आपने जो है वो एग्रीमेंट करवाना है टू गेट द एग्रीमेंट बिटवीन बोथ यू हैव दी दिस एवोल्यूशन जनरल एंड द स्पेसिफिक एवोल्यूशन तो आपके पास जो है वो जनरल और स्पेसिफिक एवोल्यूशन जो है वो आपके पास जो है वो बन जाता है दो जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन इट वाज़ गिवन बाय साहलिन एंड सर्विस तो वो जो है वो आपके पास साहलिन और सर्विस ने जो है वो जनरल एंड uh, आपके पास स्पेसिफिक एवोल्यूशन इट वाज़ गिवन बाय देम। साहलिन और सर्विस ने जो है वो इसको दिया तो so, उनका जो काम है साहलिन एंड सर्विस का काम इट वॉज द एवोल्यूशन एंड कल्चर नाइनटीन 1960 की किताब है एवोल्यूशन एंड कल्चर उसको जो है वो साहलिन और सर्विस ने लिखा दोनों जो थे वो आपके पास जूलियन स्टीवर्ट और वाइट के जो है वो स्टूडेंट थे इसका असेंस क्या है अब साहलिन एंड सर्विस ने बेसिकली क्या किया है कि दोनों की आपके पास जो है वो एक पैक्ट साइन करवाया है दोनों की जो है सोलाह करवाई है सो so, आपके पास जो है वो साहलिन एंड सर्विस व्हाट इज द असेंस असेंस इसका क्या है दैट द एवोल्यूशन इट हैज अ डूअल करैक्टर एवोल्यूशन का डूबल करेक्टर रहता है द फर्स्ट एवोल्यूशन इट मूवज़ बाय स्टेज बाय स्टेज एवोल्यूशन जो है वो स्टेज बाय स्टेज जो है वो आपके पास जो है वो एवोल्यूशन जो है वो मूव करता है ठीक है सो इट जनरेट्स प्रोग्रेस सो इट विल जनरेट प्रोग्रेस बाय मूविंग फ्रॉम द लोअर टू अपर फॉर्म टू और द अपर स्टेजेस वेन इट विल मूव फ्रॉम द लोअर टू द अपर स्टेजेस इट इज गोइंग टू जनरेट सम काइंड ऑफ प्रोग्रेस तो ये जो है वो किसी तरह की जो है वो प्रोग्रेस जो है वो जनरेट करेगा ठीक है सो वन थिंग इज दैट द एवोल्यूशन जो है वो आपके पास स्टेज टू स्टेज मूव करेगा इसको हम कहते हैं जनरल एवोल्यूशन इसी बात को जो है वो आपके पास चाइल्ड ने कहा था चाइल्ड ने क्या कहा था दैट एवरी एवोल्यूशन और एवरी स्टेज ऑफ एवोल्यूशन इट मूव्स फ्रॉम इट मूव्स फ्रॉम पेलियोलिथिक टू नियोलिथिक यानी कि वही बात आ गई दैट इट मूव्स बाय स्टेज टू स्टेज स्टेज बाय स्टेज ये जो है वो मूव करता है लोअर टू अपर फॉर्म ये मूव करता है दिस इज़ नोन एज ए जनरल एवोल्यूशन सेकेंडली दूसरा इन ईच स्टेज डाइवर्सिटी इज़ क्रिएटेड हर स्टेज के अंदर जो है वो किसी ना किसी तरह की डाइवर्सिटी जो है वो क्रिएट करता है क्रिएट होती है बिकॉज वाई द डाइवर्सिटी इज़ क्रिएटेड जैसा आपके पास टीवर्ट ने पॉइंट दिया था

हर एक कल्चर अडाप्ट करने की कोशिश करती है हर एक कल्चर मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश करती है किसके अंदर मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश करती है इन टेक्नोलॉजी हर एक कल्चर जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश करती है सो द एवोल्यूशन जो आपके पास एवोल्यूशन है वो डूअल करेक्टर का बन गया द फर्स्ट करैक्टर जो पहला करैक्टर है इट इज़ ऑफ द जनरल करैक्टर दैट इज़ नोन एज द जनरल एवोल्यूशन दैट द एवोल्यूशन इट गोज फ्रॉम वन स्टेज टू अनादर वो एक स्टेज से जो है वो दूसरी स्टेज के अंदर जो है वह आपके पास एवोल्यूशन जाएगा दूसरा जो है द करैक्टर द सेकेंड करैक्टर ऑफ द एवोल्यूशन इट विल भी मोर स्पेसिफिक इट विल भी द स्पेसिफिक एवोल्यूशन वाई इट इज़ द स्पेसिफिक एवोल्यूशन बिकॉज बिकॉज दी इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इट इज़ एनवायरमेंट कैसा है आपके पास इट इज़ डाइवर्स तो आपके पास इन्वायरमेंट जो है बिकॉज इट इज़ डाइवर्स तो आपके पास जो टेक्नोलॉजी है जो आपके पास भिन्न भिन्न टेक्नोलॉजी है इट ट्राइज़ टू अडेप्ट हर एक जो है वो हर एक कल्चर जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो बनाती है सो so, आपके पास जो एवोल्यूशन है वो जनरल भी होगा वो स्टेज बाय स्टेज भी जाएगा और इट विल बी स्पेसिफिक आल्सो वो जो है वो आपके पास स्पेसिफिक भी होगा सो द जनरल एवोल्यूशन इट कैन बी इक्वेटेड विद द यूनिवर्सल एवोल्यूशन एंड द स्पेसिफिक एवोल्यूशन इट कैन बी इक्वेटेड विद द मल्टीलिनियल एवोल्यूशन ठीक है तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों को आप जो है वो इक्वेट कर सकते हो ठीक है सो द सहलिन एंड सर्विस दे अडॉप्टिड द बायो सोशल अप्रोच उन्होंने जो है वो बायो सोशल अप्रोच को जो है वो अडॉप्ट किया ठीक है बायो सोशल अप्रोच का मतलब क्या है अगली ही चीज़ों के अंदर जो है वो हम बात करेंगे ऑन वन हैंड ही अडॉप्टेड द एनर्जी थ्योरी ऑफ लेसली वाइट ठीक है बिकॉज वाइट के स्टूडेंट हैं तो लेसली वाइट की जो है वो उन्होंने थ्योरी को अडॉप्ट कर लिया दूसरी जगह के ऊपर स्टीवर्ड की थ्योरी को भी अडॉप्ट कर लिया ठीक है तो उन्होंने बताया कि आपके पास कैसे जो है वो जनरल और स्पेसिफिक एवोल्यूशन जो है वो होता है वाई इट इज नोन एज बायो सोशल अप्रोच दैट वी विल सून कम टू नो क्यों उसको जो है वो बायो सोशल अप्रोच कहते हैं ठीक है पहले आपके पास क्या जनरल होता है क्या स्पेसिफिक दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है सो so, जनरल का मतलब क्या है दैट यू मूव बाय द स्टेज बाय स्टेज जनरल आपके पास एक प्रोग्रेस की स्कीम बन जाती है स्पेसिफिक एवोल्यूशन मीन स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिसेंट it generates diversity because the environment in the different in the different section of the word or in the different uh, parts of the word the environment it is different the environmental niche it is different take and जनरल एवोल्यूशन इट इज़ मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट एंड द आपके पास द स्पेसिफिक एवोल्यूशन इट इज़ मोर्फोलॉजिकली सिमिलर फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द चॉपर चॉपिंग टूल्स चॉपर चॉपिंग टूल्स का आप केस लीजिए इन द चॉपर चॉपिंग टूल्स दैट आपके पास लेट से चॉपर चॉपिंग टूल्स ऑफ अफ्रीका एंड द चॉपर चॉपिंग टूल्स ऑफ यूरोप और समवेयर एल्ज आपके पास जो है चॉपर चॉपिंग टूल्स इन इंडिया दे आर मोरफोलॉजिकली सिमिलर वो आपके पास मोरफोलॉजिकली जो है वो सिमिलर रहेंगी ठीक है मोरफोलॉजिकली सिमिलर रहेंगी लेकिन अगर हम उनकी स्पेसिफिकेशनस को देखेंगे ठीक है इफ़ यू यू विल गो इन टू द स्पेसिफिकेशन देन ओनली यू विल फाइंड दैट देयर आर डिफरेंसेज ठीक है तब आपको जो है वो डिफरेंसेज वहाँ पे जो है वो दिखाई देंगे ठीक है गेटिंग द पॉइंट सो इट शुड बी आपके पास दोनों जो है वो इंटर इंटरलिंक हो इंटरचेंज हो गए ठीक है देयर शुड बी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर देर शुड बी मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट ठीक है टिंग द पॉइंट तो आपके पास जो है वो जनरली द एवोल्यूशन इट विल थ्रू द चॉपर चॉपिंग टूल्स बट आपके पास जो है वो एनवायरमेंटली है वो अडेप्ट रहेंगे ठीक है तो एन्वायरमेंटल अडेप्टन की वजह से देर विल भी डिफरेंस इन दिफिकेशन ठीक है सो द स्पेसिफिक एवोल्यूशन इट अप्लाइज ऑन दर्टिकुलर पॉपुलेशन एंड द जनरल एवोल्यूशन इट अप्लाइज ऑन दी होल पॉपुलेशन ठीक है सो वाई इट इज़ नोन एज दी बायो कल्चरल अप्रोच अब बात आती है कि बायो कल्चरल अप्रोच जो है वो इसको क्यों कहा जाता है सो फर्स्ट रीजन इज दैट दे हैव कम्पेयर द बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डेटा तो उन्होंने जो है वो बायोलॉजिकल और कल्चरल डेटा को जो है वो कंपेयर किया है और दोनों के अंदर ही दोनों के अंदर ही जो है वो उनको एक एवोल्यूशन की बात जो है वो दिखाई दी है कि आपके पास जो है वो दोनों के अंदर ही जो है वो एवोल्यूशन हो रहा है एवोल्यूशन जो है वो बायोलॉजी के अंदर भी हो रहा है एवोल्यूशन जो है वो कल्चर के अंदर भी हो रहा है बायोलॉजी के अंदर जब आपके पास एवोल्यूशन होता है दिस इज़ नोन एज द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और जब आपके पास कल्चर के अंदर एवोल्यूशन होता है देन इट इज़ नोन एज द कल्चरल एवोलूशन तो हम जो है वो उसको कल्चरल एवोल्यूशन कहते हैं बायोलॉजी के अंदर अगेन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स इसको जो है वो दो एस्पेक्ट्स के अंदर जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं वन इज द जनरल एवोल्यूशन अदर इज द स्पेसिफिक एवोल्यूशन सिमिलरली द कल्चरल एवोल्यूशन इट कैन अगेन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स वन इज द जनरल एंड अदर इज द स्पेसिफिक इन द बायोलॉजिकल जनरल एवोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द एस्टेलोपेथिकस द एस्टेलोपेथिकस आपके पास जो है द एस्टेलोपेथिकस इट वॉज सेम आपके पास इन दैसटर्न अफ्रीका एंड इन द साउथ अफ्रीका अगर आप देखें द स्पीसीज दैट वॉज दैट वॉज अराउंड फोर टू टू मिलियन ईयर्स अगो और फोर टू वन पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स अगो देर वर नथिंग बट एस्टोपिथिकन तो उसको जो है वो हम एस्टेलोपेथिकस या फिर एस्टेलोपेथिकन जो है वह कह सकते हैं बट वेन वी विल सी द डायवर्सिटी इन दैम जब हम उनके अंदर डायवर्सिटी देखेंगे वन विल बी नोन एज एस्टेलोपैथिकस रोबस्टस जिसका जबड़ा जो है वो बड़ा हुआ है और वन विल भी नोन एज द एस्टेलोपेथिकस बोसाई दैट इज मोर स्लैडर इन नेचर जो कि ज्यादा पतला है और यहाँ पे जबड़ा मोटा होना या फिर जबड़ा पतला होना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है इट इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन दी इन्वायरमेंट वो जो है वो आपके एनवायरमेंट के ऊपर जो है वो ज़्यादा डिपेंड करेगा देन यू हैव एरेक्टस एरेक्टस अगेन द एरेक्टस इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका अफ्रीका के अंदर है एरेक्टस ठीक है आपके पास जो चाइना है उसके अंदर भी है आपके पास एरेक्टस आपके पास जो यूरोप है उसके अंदर भी है एरेक्टस रशिया है उसके अंदर भी है एरेक्टस ठीक है सो एरेक्टस इज एवरीवेयर इन द जावा देर इज ऑल्सो एन एरेक्टस बट वेन वी विल कंपेयर दैम एनाटोमिकली जब उनकी स्पेसिफिकेशन को हम कंपेयर करते हैं दैन वी विल कम टू नो दैन दैट देयर आर डिफरेंसिस दरक्टस ऑफ अफ्रीका इट इज मोर ए वर्ल्ड दैन द एरेक्टस ऑफ जावा तो जावा का जो एरेक्टस है इट इज मोर एप लाइक इट इज मोर अस्टिलोपेथिक लाइक बट द एरेक्टस दैट हैव बीन इन चाइना और दैट हैव बीन इन अफ्रीका दे आर मोर एडवांस्ड वो ज्यादा एडवास्ड हैं ठीक है गेटिंग द पॉइंट देन आपके पास आता है नियंत्रथाल मैन सिमिलर विद द नियंत्रथाल मैन द क्लासिकल टाइप एंड द प्रोग्रेसिव टाइप बोथ आर नियंत्रथाल दे आर बोथ द स्पेसिमेंस ऑफ नियंत्रथाल मैन बट द क्लासिकल टाइप एनाटॉमिकली द क्लासिकल टाइप इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोग्रेसिव टाइप ठीक है सिमिलरली द होमोसेपियंस इन द होमोसेपियंस देर इज क्रो मैगनर मैन देर इज रिमाल डी देर इज चांसली डे मैन तो तीनों जो हैं वो आपके पास होमोसेपियंस हैं वाई दे आर होमोसेपियंस बिकॉज द द करेनियम कैपेसिटी इट इज मोर लाइक द होमोसेपियंस तो इन द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इन द जनरल एवोल्यूशन वी विल सी दैट द जनरल ट्रेंड ऑफ द दिफेलिक कैपेसिटी और द आपके पास जो आपके पास करेनियम कैपेसिटी है वो आपके पास जो है क्या कर रही है वो इंक्रीज कर रही है इन दस्टेलोपेथिकस इट वॉज फोर फिफ्टी टू सिक्स हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास सिर्फ इतनी करेनियम कैपेसिटी थी फिर आपके पास जो है थोड़ी सी इंक्रीज़ करी इरेक्टस के अंदर फिर नंद्रथाल मैन के अंदर इंक्रीज करती है होमोसेपियंस के अंदर जो है अगेन इट इंक्रीज खैर कुछ नंद्रथाल मैन की जो है करेनियम कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है बट अगेन इट इज़ पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक एवोल्यूशन ठीक है

स्पीसीज दैट वर रिटर्न इन दी जनरल पार्ट तो जनरल पार्ट के अंदर जैसे हमने एस्टेलोपेथिकस लिखा है इन दी एस्टेलोपैथिकस एस्टेलोपैथिकस कैन बी डिवाइडेड इंटू रोबस्टस एंड बोसाई एस्टेलोपेथिकस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो रोबस्टस और बेसाई के अंदर एरेक्टस को अगेन यू कैन डिवाइड इंटू फाइव सिक्स पार्ट्स क्योंकि एरेक्टस की जो है वो खोज चलती जा रही है तो आपके पास पैकेसिस मैन है जावा मैन है सो यू हैव द डेनिसोवियन मैन यू हैव द हाइडल बर्जेंसिज यू हैव द अफ्रीकन होमो रेक्टस, ठीक है सो इन दी नर्मदा मैन है नर्मदा मैन इज एडवांस्ड होमो रेक्टस, ठीक है तो इस तरह से आपके पास जो है वो एक होमो रेक्टस जो है वो बढ़ता चला जाता है ठीक है देन यू हैव द नंद्र मैन नियंत्रथाल मैन अगेन आपके पास एक्स लार्ज चैपल और आपके पास क्लासिकल टाइप और यू हैव द प्रोग्रेसिव टाइप सो दीज आर द देरिएशन ये आपके पास वेरिएशन हैं ठीक है दीज आर दकॉर्डिंग टू द अदर एनाटोमिकल वेरिएशन लाइक द वेरिएशन इन द्रिए वेरिएशन इन द डेंटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आपके पास जो है स्पेसिफिक एवोल्यूशन बन गया

इस तरह से जो है वो आप चीज़ों को करोगे ठीक है इन द कल्चरल एवोल्यूशन आपके पास जो स्पेसिफिक कल्चरल एवोल्यूशन है यू हैव द डिफरेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड डिफरेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स दे हैव देयर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स उनके अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं फॉर एग्जाम्पल द लोअर एज इन द इंडिया द लोअर एज इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द सोहन वैली इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द नर्मदा वैली बट बोथ ऑफ देम दे हैव देयर पिक्यूलियर करेक्टरिस्टिक्स देयर यूनिक करेक्टरिस्टिक दोनों के करेक्टरिस्टिक जो हैं वो यूनिक है ठीक है नर्मदा वैली का जो करेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट है वो आपके पास जो सोहन वैली का करेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट है ठीक है सो आपके पास हर एक आर्कोलॉजिकल साइट जो है डिफरेंट है वाई इट इज डिफरेंट बिकॉज द इनवायरमेंटल नीच दे आर डिफरेंट बिकॉज जूलियन स्टीवर्ड सेड दैट इनवायरमेंट एंड द कल्चर स्पेशली टेक्नोलॉजी दे आर इंटरवाइंड इन द डायलैक्ट्रिक इंटरप्ले वो डायलैक्ट्रिक इंटरप्ले के अंदर इंटरवाइंड है ठीक है तो आपके पास जो है इसकी वजह से एक स्पेसिफिक एवोल्यूशन जो है वो आपको नजर में आता है ठीक है चलिए नाउ द क्वेश्चन टाइम एक्सप्लेन दू सोशल एवोल्यूशन बाय सर्विस एंड सहलिन इन द इंट्रोडक्शन वॉट यू आर गोइंग टू राइट कि सर्विस और सहलिन दोनों जो है वो किन किन के जो है वो स्टूडेंट थे सर्विस एंड सहलिन देवर स्टूडेंट ऑफ स्टीवर्ड एंड वाइट ठीक है तो उन्होंने जो है वो एवोल्यूशन को असेंस जो है वो आपके पास लिखनी है असेंस जो है वो इसकी इन्होंने जो है वो लिखी है एवोल्यूशन एंड कल्चर के अंदर एवोल्यूशन एंड कल्चर के अंदर वो कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो आपके पास डुअल करेक्टर का होता है एक जनरल एवोल्यूशन आ जाता है और दूसरा जो है वो आपके पास एक स्पेसिफिक एवोल्यूशन आ जाता है ठीक है जो आपके पास जनरल एवोल्यूशन है उसके अंदर जो है वो आप स्टेज बाय स्टेज चलते हो ठीक है और जो है आपके पास स्पेसिफिक एवोल्यूशन जो है वो उसके अंदर जो है वो आप पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल नीच की जो है वो बात करते हो ठीक है तो इस तरह से जो है वो आप चीज़ को लिख सकते हो ठीक है सो दिस इज़ नोन एज द बायो सोशल अप्रोच देन यू विल ड्रॉ दिस चार्ट फिर उसके बाद जो है वो आपने इस चार्ट को बनाना है ठीक है समझ गए गेटिंग द पॉइंट और ठीक है इन द इंट्रोडक्शन यू विल राइट

ये दो जो दो चीज़ें रखनी जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये दो चीज़ें जो है रखी जाती है फिर जो है वो आपके पास जो है वो बॉडी शुरू हो जाती है इन बॉडी पार्ट आप जो है वो क्वेश्चन का जो असेंस है वो पकड़ते हो ठीक है कि आपके पास जो है वो एक स्पेसिफिक और जनरल एवोल्यूशन की बात करते थे और स्पेसिफिक और जनरल एवोल्यूशन को समझाने के लिए जो है वो बायोसोशल अप्रोच की जो है वो उन्होंने बात की फिर आप जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन को समझा दीजिए कि जनरल एवोल्यूशन इट इज मोर लाइकली द यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म और जो स्पेसिफिक एवोल्यूशन है इट इज मोर लाइक लाइकली द मल्टीलिनियल एवोल्यूशनिज्म इसको साइड पे रख दीजिए फिर बायो सोशल अप्रोच को जो है यू विल ड्रॉ द टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ द टेबल यू विल एक्सप्लेन दिस बायो सोशल एवोल्यूशनिज्म और बायो सोशल एवोल्यूशन को जो है वो आप समझा दीजिए एक आप एक्सप्लेनेशन करने के लिए अगर आपके पास टाइम है अगर आपके पास स्पेस है तो आप इसका जो है एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो फिर आप जो है वो एक कंक्लूजन लिख के एक आध कॉन्ट्रीब्यूशन लिख के जो है वो आप अपने स्टेटमेंट को आप अपने आर्गोमेंट्स को जो है वो आप अपने आंसर को जो है वो कंक्लूड कर सकते हो ठीक है सो दिस इज द आइडल वे टू राइट द आंसर इस चीज को जो है वो हम कहते हैं ब्लू प्रिंट बनाना ठीक है सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर सो यू कैन राइट द आंसर एंड सेंड इट ओन हेयर इस नंबर के ऊपर जो है वो आप सेंड कर दीजिए आप जो है वो भेज दीजिए और यू कैन राइट और यू कैन डाउनलोड दी ओ टू आई एस एकेडमी ऐप आप जो है वो ओ टू आई एस अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जो है वो हम लोगों को भेज सकते हैं ठीक है आई पर्सनली आई एम गोइंग टू अवेलुएट यूर आंसर्स ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच होप यू हैव इन्जॉयड दिस सेशन थैंक यू वेरी मच